और 20 नंबर सवाल देखिएगा, आप इसे बना भी सकते थे। प्रश्न का कहना यह है कि एक लड़का अपने घर से अपने साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराहन 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? एक बात बताइए, अगर क्रॉसिंग करने वाला सवाल लगेगा, पार करने वाला, तो हम एगो फार्मूला बताए हुए हैं कि क्रॉसिंग जब भी खाली पार करे के बात होगा क्या लगाएंगे? पगला सा रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। इसलिए ना कहते हैं कि रिवाइज करो, 16 घंटा में 24 घंटा में 8 घंटा सोना था, 16 घंटा में तुमको हम जोड़ा दिए 6 घंटा, 8 घंटा तुम यूज किए, बाकी 8 घंटा तुम्हारा कहाँ गया? नहीं बर्बाद कर रहे हो, तो उसका फार्मूला उसमें याद कर ले है, उसका उसमें, जबकि 6ठा क्लास है, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ तब तक तुम लोग खत्म हो गए। सवाल कहता है, सुनो, कहता है कि लड़का अपने घर से अपने साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 के गति से चला है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराहन 1:30 बजे उस लड़का को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति, ये पकड़ लिया है तो पकड़ने में लगा समय वाला फार्मूला चलेगा, कौन चलेगा? पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय होगा भैया, सुनो, पकड़ने में लगा समय, तो पकड़ने में लगा समय है हमारा मोर डिस्टेंस, याद है ना, और नीचा में मोर स्पीड। अब मोर डिस्टेंस क्या होता है, मोर स्पीड क्या होता है? 1 मिनट। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या हुआ है कि एक लड़का यहां से मान लीजिए साइकिल से वो निकल गया था, एक लड़का अपने घर से अपने साइकिल से 10 बजे और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो ये चला है कितने बजे? 10 बजे। ये 10 बजे चला है एक लड़का और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। उसका बड़ा भाई क्या किया है जानते हैं? स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी दिशा में चला है, 1 घंटा 15 मिनट बाद स्कूटर से चला उसका बड़ा भाई, छोटका भाई या बड़का भाई, सुन लीजिए, लेकिन इसका चाल नहीं दिया हुआ है, स्कूटर से जो चला है उसका चाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोला एक बात है कि इसके चलने के 1 घंटा 15 मिनट बाद चला है ये स्कूटर वाला। तो सुनिए, 1 घंटा 15 मिनट तक तो छोटका भाई आगे भाग गया होगा, तो 1 घंटा 15 मिनट में छोटका भाई द्वारा तय की गई दूरी ही मोर डिस्टेंस होगा, नहीं? अब 1 घंटा 15 मिनट को क्या करोगे, 1 घंटा और 15 मिनट इसको भी घंटा में चेंज कर सकते हो, 15 एकाई 15 15 चौके, तो बोलो 4 एकाई 4 1 5/4 घंटा हुआ, यानी जानते हैं ये मोर डिस्टेंस जो होगा हमारा, मोर डिस्टेंस जो होगा, ये आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागा है, कितना देर तक? 5/4 घंटा तक, घंटा घंटा कट गया, 4 तिहाई यानी 5 तिहाई 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आगे गेल होगा, यही बात ना, छोटा भाई कितना आगे गया होगा? 15 किलोमीटर, और बड़ा वाला का चाल पूछा है, और सवाल एक बात और का है कि 1:30 बजे पकड़ लिया है, कै बजे पकड़ा है? अच्छा सुनो, तो 1:30 बजे पकड़ा तो समय कितना लगा पकड़ने में, ये बात सोचा? सुनो, ऐ 10 बजे ही भागा था आ 1 घंटा 15 मिनट बाद ही चलेगा, इसका मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट ही जोड़ो, 11:15 में ही वाला चला था, इसका चाल नहीं पता है तो भी मान लेते हैं। अब सुनो, उसके बाद इसको पकड़ने में कितना समय लगा, तो ये पकड़ा है 1:30 बजे, ये भी टाइम दिया हुआ है, पकड़ लेता है कितना बजे? तो 1:30 को हम 13:30 ना बोल सकते हैं? 13:30 में से 11:15 घटा लो चला, 30 में से गया 15, 13 में से 11 गया 2, यानी 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ लिया है, 2 घंटा 15 मिनट यानी 2 पूर्णांक 1/4 घंटा हुआ, 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा यानी 4 × 2 = 8 = 9/4 घंटा में पकड़ रहा है, कितना देर में पकड़ रहा है? तल लीजिए, ये ही फॉर्मूला पर बैठाइए, पकड़ने में लगा समय कितना देर है? 9/4 घंटा। अच्छा, अब मोर डिस्टेंस के जगह यही ना 15 किलोमीटर, और नीचा लिखिएगा चाल,
तो एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो चाल को क्या करना है, तो इसका चाल ज्यादा रहेगा, स्कूटर वाला का चाल ज्यादा ना, इसमें से कौन घट जाएगा 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो लीजिए 3 × 9 3 × 5 = 15 और क्रॉस गुना करिएगा तो 3 × 12 = 36 आई 5 × 4 चलो 36 उधर घटा दो सॉरी जोड़ दो 3 × 36 = 20 56 ये कटेगा 56 / कितना हो गया 3। तो ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, भाग लगा दीजिए ना 18 × 54 = 2 18 × 54 = 2 56 ना, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, 21 नंबर सवाल देखते हैं। और 21 नंबर सवाल ये भी बहुत जबरदस्त है, कहता है कि पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है, पी और क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों रेलगाड़ी क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। लीजिए तदनुसार यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती है तो क्यू और आर की दूरी कितनी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जिला, ऐसे भी सिजिल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सवाल कहता है कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है कितना जानते हैं, 27 किलोमीटर। पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है, दुगो स्थान है, और कहता है दो रेलगाड़ी 24 और 18 के गति से पी और क्यू से एक ही दिशा में चलती है, एक पी से चलती है एक क्यू से चलती है और दोनों एक के दिशा में चलती है, यही बात ना, ये चलती है भैया 24 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और यह चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। सवाल कहता है क्या जानते हैं, आगे कहता है एक साथ पी और क्यू से चलती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है, तदनुसार यदि क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती है, मिलती काहे है, क्योंकि इसका चाल ज्यादा है, चाल ज्यादा है और इसका चाल कम है, नहीं एक के साथ दोनों खुलेगी तो ज्यादा चाल वाली तो कम चाल वाली को पकड़िए लेगी, तो कहता है जहां पर पकड़ी है यानी जहां पर मिली है वो बिंदु आर है, वो बिंदु क्या है आर पर दोनों गाड़ी मिल गई, दोनों गाड़ी कहां पर मिल गई आर पर मिल गई। तो अब जरा ध्यान देना, अब ध्यान देना कि यहां भी मिला होगा तभी ना, अरे मिला तो तभी होगा जब दूसरी गाड़ी जाकर पहली गाड़ी को, बात आ रहा है समझ में आपको, दो फॉर्मूला से कितना सवाल बनते जा रहा है समझ में आ रहा है, एगो क्रॉसिंग करने वाला चाहे कुछ पूछ ले दूरी चाल समय कुछ भी पूछ ले, एगो पकड़ने वाला, पकड़ने वाला आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पकड़ने वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, कहता है मिलती है तब मिलती होगी तभी है जब पकड़ लेती होगी, यही बात ना, तो फिर लगेगा पकड़ने में लगा समय, अब रुको रुको रुको, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय हमारा वही फॉर्मूला, मोर डिस्टेंस अबटा मोर स्पीड ना, मोर स्पीड। चलिए एक बात सुनिए, यहां पर मोर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों गाड़ी के बीच का जो ये दूरी है 27 किलोमीटर, यही ना मोर डिस्टेंस हुआ, तो लिखिए नहीं सीखिए इधर पहले, 27 किलोमीटर हुआ मोर डिस्टेंस, ठीक है। पहले हम ये दिमाग लगाएंगे कि कितना देर में पकड़ा जाएगी गाड़ी, फिर हमें तो पूछा है क्यू और आर की दूरी बताओ, पूछा है क्या क्यू और आर के बीच की, तो पहले यह पता करो कि पकड़ने में लगा समय कितना होगा। तो सुनो सुनो सुनो, 27 किलोमीटर तो हुआ मोर डिस्टेंस आपका, और नीचा लिखिए मोर स्पीड, तो मोर स्पीड के समय 24 में से 18 घटा के ना, एक ही दिशा में तो चाल घट जाएगा, तो बोलिए चला 24 में से 18 घटा लीजिए, 6 किलोमीटर प्रति। तो अब देखिए ये हो गया दूरी बट्टा चाल, क्या हुआ तो पकड़ने में लगा समय निकल जाएगा, तो पकड़ने में लगा समय। अब चलो किलोमीटर किलोमीटर काट देते हैं, 3 × 2 = 6 और 3 ×
यानी 9/2 घंटा में पकड़ा जाएगी, 9/2 घंटा में पकड़ा जाएगी। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि यह गाड़ी यहां से 9/2 घंटा तक चलेगी, तब वहां तक जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी ना, भी भागित रहेगी। तो आप या तो यहां से काम कर लो या यहां से काम कर लो। जानते हो कि मतलब यहां वाली गाड़ी पकड़ेगी उसको, तो यह गाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कितना देर चलेगी, 9/2 घंटा, तब ना पकड़ेगी। यानी दोनों गाड़ी यहां तक मिली ना, तो 9/2 घंटा लगा इसको वहां से वहां जाने में। तो आइए अगर घंटा से घंटा काट देते हैं, 2 से इसको 12 बार में, तो 12 × 108, तो 108 किलोमीटर जो दूरी हुआ चला पी से आर तक हुआ नहीं, लेकिन हमसे पूछा है क्यू से आर की दूरी, तो भैया 108 में से इधर वाला 27 घटा लीजिए, कितना जाएगा, 8 में से 7 गया 1, ई बच गया आपका 10 में से 2 गया 8, 81 किलोमीटर, नहीं कोई दिक्कत है। चलिए चाहते तो आप इससे भी निकाल सकते, अरे 9/2 घंटा लगा ना पकड़े में, तो ई यहां से भागा यहां से पीछा किया, 9/2 घंटा दोनों भागा, कहने का यह सेंस है। तो 18 के चाल से भागा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागा कितना देर तक, लीजिए घंटा घंटा काटे 2 से 9 बार में 9 × 81 किलोमीटर ही जाकर यहां से 81 किलोमीटर भागा है नहीं, जाके पकड़ा गया। आ ई 108 किलोमीटर चला तब जाके पकड़ा, क्योंकि एक चाल ज्यादा है, उतने समय में ज्यादा दूरी तय कर लिया। बात आ रहा समझ में, किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। आइए 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का कहना है, अरुण और भास्कर एक स्थान पी से क्रमशः 6 एम और 7.5 एम पर चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, देखो भाषा चेंज कर दिया, ये बात नहीं कहा कि किस समय मिलता है, कहता है किस समय आगे निकलता है। भास्कर जो है अरुण से किस समय आगे निकलता है, अरे आगे तो तभी ना निकलेगा जब पकड़ेगा, बिना पकड़ ले आगे निकल जाइएगा नहीं ना। तो सुनिए सवाल कहता, अरुण और भास्कर एक स्थान पी से, एक स्थान पी से, यह स्थान पी है, यहां से अरुण भी चलता है और भास्कर भी चलता है, ये अरुण हो गया, ये भास्कर हो गया, और कहता है 6 बजे और 7.5 बजे चलता है। ये अरुण चला है 6 बजे, अरुण कै बजे चला है 6 बजे, अब भास्कर चला है 7.5 बजे, ठीक बात। अब सुनो, अब दोनों चला है 8 और 12 के चाल से, ये पहला चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और यह चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। सवाल कहता है, कहता है कि दौड़ते हैं तीनों, सॉरी दोनों दौड़ते क्या है, भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, तो कहना आगे तभी ना निकलेगा। भास्कर, भास्कर अरुण से आगे, चूंकि देखो अरुण तो 6 बजे निकल जाएगा, अब भास्कर कै बजे, 7.5 बजे, तब तक जब ही चलेगा तब तक वो 1.5 घंटा आगे भाग गया, आगे कितना देर भागा, तो 1.5 घंटा जो भागा तभी जाके पीछे से पीछा करेगा, पकड़ेगा, हाँ पकड़ लेगा क्योंकि चाल ज्यादा है। तो यहां लगाएंगे हम फार्मूला कौन, हाँ पकड़ने में लगा समय चला, लगा समय, फार्मूला वही, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस अब बट्टा में मोर स्पीड, कोई दिक्कत तो ना। अब आ जाओ, पकड़ने में लगा समय, यही फार्मूला लगा देना है, मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड। अब सुनिए सुनिए, पकड़ने में लगा समय, तो समय मोर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 बजे ई चलेगा, ई चलेगा 7.5 बजे, तो 1.5 घंटा में जितना भाग गया वह है ना मोर डिस्टेंस, तो 1.5 घंटा में, यानी बोले तो किस चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना देर, 1.5 घंटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2, 1.5 को 3/2, आ नीचा में बोलो चाल घटा के कि जुटा के, घटा के, तो 12 में से 8 घटा दो, 4 किलोमीटर प्रति। अब लो घंटा घंटा काट दिया, 2 से 8 को काट दिया कितना बार में, अब लो 4 से 4 भी काट दे, यानी कि 3 घंटा में पकड़ लेगा। तो सवाल कहता है कि ये बताइए ना, भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, कितना समय में आगे निकलेगा, ये बात नहीं कहा, किस समय आगे निकलता है, यानी टाइम पूछ रहा है, कै बजे, कै बजे।
तीन घंटा लगेगा यही भास्कर को न पकड़ने में, तो 7:30 बजे के चलल चलल 3 घंटा लगाएगा, यानी 10:30 में 3 जोड़ दो, नहीं सॉरी 7:30 में ना, हाँ 7:30 में कितना जोड़ दोगे, तो 7:30 में 3 घंटा जोड़ दो चला, यानी हो जाएगा इतना बजे आगे निकल जाएगा, जिस समय पकड़ेगा उसी समय आगे निकल जाएगा। तो बढ़ेंगे हम अब 24 नंबर में। 24 नंबर सवाल देखिए, सवाल कहता है 24 कहता है कि दो स्थानों एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, दो व्यक्ति ए और बी एक साथ एक्स से वाई की ओर प्रस्थान करते हैं, बी की चाल ए की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ए वाई पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है और बी को वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो बी की चाल क्या होगी। बहुत खतरनाक सवाल है, सवाल कह रहा है कि दो स्थान एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। हो सकता है अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। देखिए एक्स और वाई के बीच की दूरी, एक्स और वाई के बीच की दूरी कितना है जानते हैं, 60 किलोमीटर है, दुगो स्थान है। अब कहता है दो व्यक्ति ए और बी एक साथ एक्स से वाई की ओर प्रस्थान करते हैं, दुगो व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी एक साथ वाई की ओर प्रस्थान करता है एक्स से, ये दोनों आदमी एक्स जगह से वाई के तरफ बढ़ता है एक के टाइम। उसके बाद क्या कहता है जानते हैं, कहता है ए की चाल है 4 बी की चाल ए की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ऐसा बोला है। कहता है कि बी की चाल ए की चाल सॉरी हाँ बी की चाल ए की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ए वाई पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है और बी को वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो बी की चाल क्या होगी। सुन लीजिए क्या कहा है, कहता है यहां पर कि बी की चाल जो है ना ए की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ए के चाल से, तो सुन लीजिए हमारा ए का चाल अगर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो इसका 4 कम है बी का, बी है ना, तो चलिए बी है, तो इसका हो जाएगा एक्स माइनस 4 किलोमीटर प्रति। दोनों चलेगा एक के साथ तो पहले पहुंचेगा कौनी बताइए, कौन ए बी, ए का चाल ज्यादा है बी का तो कम है ए से कम है, एक के बार दोनों खुलेगा लेकिन पहले पहुंचेगा कौन ए पहुंचेगा। सवाल कहता है कि ए वाई पर पहुंचकर तुरंत वापस भी मुड़ जाता है और तब तक बी जाते हैं इधर से, आ कहता है आते टाइम बी से सॉरी वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है दोनों, समझ रहे सवाल में, कहता है बी को वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, ए गया ए और बी रास्ता में एक के बार चला था लेकिन पहले पहुंच गया कौन ए, आ ए उधर से मुड़ते समय वाई से 12 किलोमीटर की दूरी, वाई से कितना 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल गया, इधर से ए जा ही रहा था, ए इधर से जा ही रहा था सॉरी बी इधर जा ही रहा था और ए उधर, चूंकि ए का चाल ज्यादा है बी का कम है, तो ए पहुंच कर वापस हुआ और यहां से 12 किलोमीटर दूरी पर आकर मिल गया। तो चला एक बात दिमाग में रखना, इस सवाल में एक चीज बराबर होगा दोनों का, क्या पता है समय, दोनों खुला था एक के बार ना, भले ही पहुंच कर ए लौटियो गया है लेकिन चलाइत तब बीओ है, रुका है बी, ता जब रुकबे नहीं किया तो समय तो दोनों के बराबरे है, हाँ कम ज्यादा दूरी तय होगा, एगो ज्यादा दूरी तय करेगा एगो कम दूरी तय करेगा, लेकिन समय तो दोनों के बराबर है क्योंकि चलते हैं दोनों नहीं, यानी इस सवाल में समय निकालकर बराबर किया जाएगा, इस समीकरण सेट होगा। तो अब सुन लीजिए हुआ क्या होगा, उधर से जब 12 किलोमीटर आकर मिला है ए, तो इधर से दूरी देखो इधर 12 हटा देते हैं टोटल तो 60 है, तो 12 हटा दो उधर चला तो इधर कितना बचा 48, ये 48 किलोमीटर अभी तक भी तय किया होगा, आ ए कितना तय कर दिया होगा जानते हैं, ए तो एक बार 60 गया 12 आया, ए 60 गया आ 12 आया, तो ए 72 किलोमीटर दूरी तय किया अभी तक जाते हैं, यानी 48 किलोमीटर इधर से गया होगा तब ना उधर से 12 किलोमीटर आकर मिला, यानी बी कितना तय किया
48, बी केवल 48 आ ए 60 जाके 12 लौटा है ना, तो 72 किलोमीटर ए तय किया 48 किलोमीटर बी तय किया। हमको तो दोनों का समय निकाल कर बराबर करना है चला, समझ रहे हो? तो सुनो, इस दूरी को इस चाल से तय किया था, तो दूरी बटा चाल क्या हुआ? अरे किसका समय? ए का समय। अच्छा, बी ने 48 किलोमीटर दूरी तय किया है और किस चाल से? तो एक्स माइनस चार के चाल से। इसका दूरी बटा चाल समय हो गया। अभी दोनों का समय होगा आपस में, अब होगा क्रॉस गुना एक्स के, मान निकल जाएगा। तो चलिए अब क्रॉस गुना कर ले। अच्छा इसको काट देते हैं, 12 छक्के 72 और 12 चौके क्रॉस गुना होगा ये 6x माइनस 6 छक्के 24 आई एक्स जाकर तब 4x हो गया, 4x आके घटा तो 2x बराबर हो गया 24। अरे 2 से 24 12 बार में कटा तो x का वैल्यू, यानी हमने माना था a का चाल x, ये हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी का किसका पूछा है इस सवाल में? बी का पूछ लिया है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक्स की वैल्यू 12 रख के आई 4 घटा लीजिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बी का चाल हो गया, यही बात ना? तो चलिए समझ में ना कैसे आएगा, तो देखिए 25 नंबर सवाल हमारा, अब 25 ना तो आइए 25। 25 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि दो व्यक्ति ए और बी, पी से क्यू की ओर जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते। अच्छा कहता है कि दो व्यक्ति ए और बी, पी से क्यू की ओर जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है क्रमशः 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, बी क्यू पर पहुँच कर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है तो ए से आर पर मिलता है तो पी से आर की दूरी कितनी है? पिछला सवाल में वाई पर पहुंच कर ए आया था 12 किलोमीटर दूर, वाई से 12 किलोमीटर आकर तब मिला था, इस बार हम लोगों से दूरी पूछा जा रहा है, बात है समझ में? इस बार वो आने का दूरी नहीं दिया है, चाल दे दिया है। तो देखिए सवाल है वैसा ही कहानी, लेकिन डाटा अलग से गायब किया है। कहता है दो व्यक्ति ए और बी है, पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर चलेगा ये दोनों, पी से क्यू की ओर चलेगा कौन? ए और बी चलेगा। इनकी चाल भी 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? अब सवाल कहता है चला, कहता है कि एक साथ चलना प्रारंभ करता है, ये दोनों एक के साथ चलना प्रारंभ करता है पी से क्यू की ओर, और कहता है कि बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है, रुकबो नहीं करता है, एकदम लहरिया कट मारी तो वापस हो गया। सुनो, ये बी पहुंच जाता है क्यू पर पहले ही, काहे पहुंच गया पहले? चाल ज्यादा है, तो जेकर चाल ज्यादा होगा वो तो पहले पहुंच ही जाएगा, तब बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है। अब पी से क्यू की दूरी भी दे दिया है आपको कितना? 21 किलोमीटर। तब बी जब क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है और ए की ओर चलता है, ए तो इधर से जा ही रहा था, ए जा ही रहा है, मान लीजिए कि ए जा ही रहा है, अब बी पहुंचकर वापस मुड़ता है और कहता है ए से आर पर मिलता है, यानी जहां मिला ना वो जगह आर था, तो इधर से बी आकर मिला है, ठीक है, इधर से बी आकर मिला है। अब कहता है तो पी से आर की दूरी कितनी है? हमें पी से आर की दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो मान लेते हैं चला यहाँ से यहाँ की दूरी x, ये दूरी कितना मान लेते हैं? आर ही ना माने हैं कि आते टाइम r पर मिलता है, a जा ही रहा था, b उधर से आकर मिला, तो ये दूरी हम x मान लिए, तो टोटल तो 21 था, तो जब टोटल 21 है आ इधर x है तो उधर कितना बचा? 21 माइनस x बचा, नहीं इधर वाला दूरी 21 में से हटा दिए तो उधर वाला दूरी हो गया। अब दिमाग लगाओ कि एक बार ये तो जाते ही है, कौन जा रहा है? ए, तो ए तो गया यहां से यहां तक, यानी इस जगह पर मिल गया, आर इस जगह है यहां पर मिल गया, तो ए ने एक्स किलोमीटर ही दूरी तय किया है क्योंकि जा ही रहा है, लेकिन बी ने कितना दूरी तय कर दिया पता है? अरे यहां से यहां तक तय कर इस पूरा ना, तो पूरा हुआ भैया 21, आते समय फिर यह दूरी प्लस 21 माइनस एक्स दूरी, समझ में आया सबको? इतना दूरी कौन तय किया है? आ इतना दूरी
अच्छा चला तो दोनों एक बार तो समय बात बराबर होगा, यानी इस दूरी को इसने तीन के चाल से चला है तो दूरी बटा चाल समय, आ इस दूरी को इसने चार के चाल से चला है दूरी बटा चाल समय, आ दोनों का समय होगा आपस में बराबर। पिछले सवाल जैसा ही है चला, कोई दिक्कत? चलिए अब क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा आपका 4x अब बराबर 21 जोड़िए लीजिए ना 42 तीया 126 है तो 126 और माइनस 3x ये का हो गया, देख तेरे संसार की हालत का हो गई भगवान। चलिए तो अगला और पिछला सवाल का जो आंसर था 25 नंबर ना, 25 का कितना था 18, तो बस x की वैल्यू निकालनी थी उसमें। और चलिए अगला सवाल आते हैं 26 नंबर में, तो 26 नंबर सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ABC एक किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट तक चलते हैं, एक किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट तथा 10 मिनट तक चलते हैं, यानी एक किलोमीटर चलने में ए को लगता है 5 मिनट, बी को लगता है 8 मिनट और सी को लगता है 10 मिनट। अब कहता है सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना प्रारंभ करता है, बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है और ए उसी बिंदु से सी के 2 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, तदनुसार ए बी तथा सी से कितने समय बाद मिलता है। सवाल आ रहा है समझ में, ऊपर ऊपर से जा रहा है ना, चलो ध्यान दो, बाउंसर है। कहता है कि ए बी सी एक किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में चलता है, ए है बी है और सी है, ये तीनों जो है ना चलेगा, और सबसे पहले कहता है कि 1 किलोमीटर 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो इस बार चुपचाप ऐसी करो ना, 1 किलोमीटर एगो चलता है कितना देर में, 5 मिनट में, तो इतना किलोमीटर प्रति मिनट हुआ, यही बात ना, एगो चलता है बी 1 किलोमीटर 8 मिनट में, तो इतना किलोमीटर प्रति मिनट हुआ, आ ये चलता है 1 किलोमीटर 10 मिनट में, ये दूरी बट्टा समय है, यानी इतना किलोमीटर प्रति मिनट हुआ, ये चाल हो गया तीनों का। सवाल क्या कहता है, क्या दिक्कत है तुमको रविजीत? सवाल कहता है उनमें सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना प्रारंभ करता है, अब बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और कहता है उसके बाद ए उसी बिंदु से सी के 2 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, तदनुसार ए बी तथा सी से कितने समय बाद मिलता है। कहता है कि सबसे पहले यहां से सी निकल देता है, सबसे पहले कौन निकल देता है, सी निकल देगा। अच्छा सी का क्या है जानते हो चेला, सी का चाल सबसे कम है, जिसके बट्टा में बड़ा संख्या वो वैल्यू छोटा ना, बट्टा में बड़ा संख्या, इस सबसे कम चाल है इसका, इसका चाल सबसे ज्यादा, ये बीच वाला है। तो सी कहा कि हम तो धीरे धीरे ना चलते हैं, तो हमको जाने दो, आओ चौक पर चाय पियेंगे वहीं पर तीनों आदमी, तो सी पहले ही निकल गया, तो सी निकल गया, तब बी कहता है कि अब हम निकलिए दोस्त ए को, तब बी 1 मिनट बाद माने सी के चलने के 1 मिनट बाद बी भी निकल दिया, अब 2 मिनट बाद सी के 2 मिनट बाद मतलब जस्ट 1 मिनट बाद बी के जस्ट 1 मिनट बाद ए भी निकल दिया, तो वही सवाल पूछता है कि ए जो है ना बी और सी से कितने समय बाद क्रमशः मिला है से बताओ, मतलब बी से कितना मिनट बाद और सी से कितना मिनट बाद मिला ई बताओ, ठीक है चला। तो अब दिमाग लगाओ, ए के बारे में ना पूछा है कि ए जो है पहले तब भागा था सी, उसके पीछे फिर भागा बी, और तब पीछा किया ए, तो ए दोनों को कितना कितना समय में पकड़ लिया, नहीं यानी कितना कितना समय में मिला, मिलेगा तो तब ना जब पकड़ेगा, यानी पकड़ने वाला सवाल है, तब पकड़ने में लगा समय, याद है फॉर्मूला पक्का ना, बड़ा इत्मीनान से पढ़िए चला, हड़बड़ा कर पढ़े वाला ना है जो हम आपको हाली हाली ट्रिक काट कुट कर दिखा दे, वैसे नहीं पढ़ने वाला है, समझने वाला चीज है। तो पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, हमारा तो फॉर्मूला है भैया वो है मोर डिस्टेंस
और बट्टा में मोर स्पीड, इसी पर रगड़ देंगे। सबसे पहले ए पकड़ेगा किसको जानते हैं, देखिए पहले तो सी चलेगा, उसके बाद बी चलेगा, तो रास्ते में पहले सी भागा तब बी भागा तब ए, तो ए तो जाते पहले बी को धलेगा नहीं, और तब लास्ट में सी, सी तो सबसे पहले ना भागा था, तो अब ए द्वारा, ए द्वारा पहले बी को पकड़ने में लगा समय और तब सी को, ठीक ना। तो ए द्वारा, किसके द्वारा, ए द्वारा बी को पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, ये हम लिखते हैं, आप एग्जाम में ये सब ना लिखिएगा इतना अच्छा से, खाली समझ जाइएगा आपको वहाँ किसको समझाना है, ठीक ना। तो ए द्वारा बी को पकड़ने में लगा समय, तो मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, आपको पता है सवाल में कैसे कैसे भागा था, सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना प्रारंभ करता है, बी उसी बिंदु से एक मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, और ए उसी बिंदु से सी के दो मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, सी के दो मिनट बाद ना, पहले सी भागा एक मिनट बाद बी भागा, सी के दो मिनट बाद ए भागा, यानी इसके तो केवल एक के मिनट बाद ए चला है ना, तो एक मिनट में बी जो भाग गया होगा वह मोर डिस्टेंस हो जाएगा, तो एक बट्टा आठ किलोमीटर प्रति मिनट भागता है, यानी एक मिनट में इतने ना भागता है, है? और जब पीछा होगा तो दोनों का चाल घटा के ना नीचे लिखिएगा, तो बताइए इसके चाल और इसके चाल को घटा लीजिए, तो एक बट्टा पांच में से घटाइएगा एक बट्टा आठ, तो कितना होगा, आठ पाँच का एलसीएम चालीस, तो पाँच अठे चालीस आठ, और यहाँ पाँच तीन बट्टा चालीस, तो तीन बट्टा चालीस ऊपर हो गया दूरी, नीचा हो गया चाल, दूरी बट्टा चाल क्या हुआ समय, ये जाके चलिए एक बट्टा आठ गुना हो जाएगा चला चार बट्टा तीन, चार दूना आठ यानी एक बट्टा छः मिनट, ओ सॉरी तीन बट्टा चालीस है, चलिए सॉरी, अब देखिए एक बट्टा आठ चालीस ऊपर चल गया बट्टा तीन, आठ पचे पाँच बट्टा तीन मिनट समय लगेगा किसको पकड़ने में, बी को पकड़ने में, तो पाँच बट्टा तीन वाला ऑप्शन एक के गो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, तो इसे चार ऑप्शन रहेगा तो एक के बार देख के मार देंगे, नन नहीं रहेगा, तो एक के गो ऑप्शन में ना पाँच बट्टा तीन है। अब निकालना है कि ए द्वारा किसको, सी को पकड़ने में लगा समय, यही ना, तो ए द्वारा सी को पकड़ने में लगा समय, समझ जाइएगा ना, इसी से सी को पकड़ेगा, तो सी के तो चलने के दो मिनट बाद ना ये चला है, सी सबसे पहले भागा था, एक मिनट बाद बी और सी के दो मिनट बाद ए चलता है नहीं, तो सी तो इस चाल से दो मिनट तक भागेगा चला, तो इसमें दो से गुना करो एक बट्टा पांच एक बट्टा दस एक मिनट में, तो दो मिनट में कितना, तो एक बट्टा पाँच किलोमीटर ए हो जाएगा उसका मोर डिस्टेंस, और नीचा फिर चाल घटा के ना इसका, इसका तो इसका घटाओगे तो एक बट्टा पाँच में से एक बट्टा दस घटाओगे, पाँच दूना दस यानी एक बट्टा दस हो जाएगा नीचे, ये दस दस एल सी एम, पाँच दूना दस दू फिर एक, एक बट्टा दस हो जाएगा कि ना, यानी देखिए नीचा चाल घटा के लिखे चाल ऊपर दूरी बट्टा चाल समय हो जाएगा, यानी देखिए एक बट्टा पाँच गुना हो जाएगा दस बट्टा एक, पाँच दूना दस यानी दो मिनट, यानी इतना मिनट और इतना मिनट में पकड़ लेगा, तो पाँच बट्टा तीन और दो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं।